दोस्तों, मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है और इस तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मुसलमानों के नफरत के साथ शुरू हुई है। मुसलमानों से ये पार्टी कितनी नफरत करती है, इसका जीता जागता नमूना ये खबर है। दोस्तों, ये खबर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब भाजपा सरकार ने मुसलमानों से इस कदर नफरत किया है, इस कदर उनसे नफरत है कि उनको अपने कार्यकाल में एक भी मंत्रालय नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार ऐसा देखने सुनने को मिल रहा है जब कोई भी मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक भी मंत्रालय पाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि उनके पास एक भी मंत्रालय नहीं है। पहले ही बीजेपी में हिंदू मुसलमान की राजनीति आप अक्सर देखते हुए नज़र आए हैं कि कैसे मुसलमानों को किनारा किया। भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेताओं के हाल देख लीजिए, कहाँ है वो? जो भी मुसलमान नेता थे उनके हाथ क्या मिला? शहनवाज हुसैन से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी और जो भी नेता हैं उन सबको क्या मिला? कुछ भी नहीं। धीरे धीरे करके उनको साइड कर दिया गया और अब पूरी तरीके से साइड कर दिया गया है, यानी कि 20 करोड़ मुसलमान, जी हाँ, इस देश में 20 करोड़ मुसलमान का नुमाइंदा करने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक मंत्रालय भी जो है वो अपने ही पार्टी के नेताओं को दे दिया गया। पहले मुख्तार अब्बास नकवी के हाथ में था, उसके बाद स्मृति ईरानी को दिया गया, लेकिन अब वो मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिम्मे रख लिया। अब आप सोचिए कि मुसलमानों से नफरत नहीं है तो क्या है? क्या मुसलमानों से इस बात का खींच लिया जा रहा है कि इस बार उनको मुसलमानों की तरफ से मात्र 6% वोट मिला है, इस वजह से मोदी सरकार, मोदी जी ने ऐसा फैसला लिया है? वैसे तो उत्तर प्रदेश में आम लोगों को भी महंगाई का मार दिया जा रहा है। दोस्तों, अयोध्या में तो देख ही लिए हैं कि बीजेपी हारी तो भक्तगण जो है नफरती चिंटू वो किस तरीके से वहाँ के हिंदुओं को ही गाली देने लगे। तो ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है, हर तरफ से इन्होंने ठगा ही है। अब ये कितना भी कह ले कि ये सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन साथ लेकर कहीं से कहीं तक ये जाते नहीं है। दोस्तों, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, वही हाल है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कि खाते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक भी विश्वास जताया होता तो आपके खेमे में एक मंत्री तो मुसलमान होता, एक को तो जिम्मेदारी दे देते। 70-75 मंत्रियों को अपने खेमे में शुमार कर लिया है, लेकिन एक ऐसा मुस्लिम नाम आपको नहीं मिला जहां पर उनको मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई होती। नहीं दोस्तों, अब TV9 देखिए भारतवर्ष जो है वो क्या खबर छाप रहा है। वो छापता है कि मुस्लिम मुक्त हुई भारत सरकार, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। जाहिर सी बात है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देखने सुनने को मिल रहा है कि एक भी मुस्लिम नुमाइंदा मुसलमानों के लिए नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है। सोचिए, और बीजेपी की बातों पर कोई भरोसा कैसे कर सकता है कि हम सबको लेकर चलते हैं? मोदी जी, भर चुनाव आपने हिंदू मुसलमान किया और आखिर में भी आप वही कर रहे हैं। मुसलमानों को एक भी सीट दे देते तो शायद वो भ्रम जो है मुसलमानों का वो टूट जाता, उनको लगने लगता कि आप मुसलमानों के प्रति ईमानदार हैं, वफादार हैं, मुसलमानों के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन भ्रम तोड़ने के लिए मोदी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। 20 करोड़ मुसलमानों का भ्रम एक झटके में मोदी जी आपने तोड़ कर रख दिया। वो कहते हैं ना कि भ्रम बना रहता है ना जब तक, तब तक लोगों को थोड़ी सी आस रहती है, लेकिन यहाँ तो आपने सीधे उन आस पर ही, जी हाँ, उन आस पर ही पानी फेर दिया। अब आप खुलकर हिंदू मुसलमान कीजिए, खुलकर लड़ाई लड़िए, ना आपको हिंदू साथ देंगे और ना ही मुसलमान। एक बात लिख कर ले लीजिए, जितना नफरत, जितना गंदगी भारतीय जनता पार्टी में भर चुनाव देखने सुनने को मिला है, उससे पहले कभी किसी ने नहीं किया है। खैर, इससे पहले भी नफरती भाषण, बयानबाजी तो आते ही रहे हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? मोदी जी कभी आकर कहे हैं कि हम इसका निंदा करते हैं,
विदेशों में जाकर गले लगाते हैं, लेकिन अपने देश वाले मुसलमानों के साथ इतनी बैर, इतनी नफ़रत, इतनी कुंठा साफ तौर पर झलक रहा है। तो दोस्तों, अब आपको समझना है, फिर से आपको यही कहूँगी कि हिंदू मुसलमान के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं आना है। इनको पढ़ना दीजिए, इनको करने दीजिए जितनी करनी है कोशिशें, लेकिन आप अपनी कोशिशों में कोई कमी मत रखिएगा। नेता वही चुनिए जो आपके लिए, आपके उम्मीदों पर खड़ा होता हो। धन्यवाद।